श्री केदारनाथ धाम की दूसरे चरण की यात्रा को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की। अजेंद्र अजय ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम सहित अन्य संबंधित धामों की दूसरे चरण की यात्रा धीरे धीरे तेजी पकड़ने लगी है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से यात्रा मार्ग पर कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड, पहाड़ी से पत्थर गिरने से दिक्कतें आ रही हैं। बीते 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा के दौरान सरकार प्रशासन द्वारा अभी तक के इतिहास में पहली बार देखा गया है कि राहत और बचाव कार्य तत्काल युद्ध स्तर पर करते हुए केदारनाथ धाम से लेकर रास्तों में फंसे सभी यात्रियों, स्थानीय व्यवसायियों, तीर्थ पुरोहितों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बीकेटीसी अध्यक्ष ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम के हालात देखकर यात्रा प्लान करें, साथ ही अपनी जान माल की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए यात्रा मार्ग पर निकले ताकि आपके साथ साथ प्रशासन को भी किसी तरह की परेशानियां ना हो। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारी यात्रा है उसका दूसरा चरण प्रारंभ होने लग गया है और धीरे धीरे जो यात्रियों की संख्या है उसमें वृद्धि होने लगी है, और क्योंकि वर्तमान में मानसून भी काफ़ी प्रभावशाली तरीके से है तो इस कारण से कई कठिनाइयां भी समय समय पर हो रही है, मार्ग बाधित हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जैसे ही मार्ग बाधित हो रहे हैं तो उनको खोलने का तत्काल प्रयास किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि विगत 31 जुलाई को जो केदारनाथ क्षेत्र में जो अतिवृष्टि आई थी उसके कारण से केदारनाथ यात्रा का जो पैदल मार्ग है वो कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसी प्रकार से जो सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी ध्वस्त हो चुका था कुछ स्थानों पर, एक स्थान पर करीब 150 मीटर करीब वो ध्वस्त हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से और बहुत त्वरित स्तर पर राहत और बचाव के कार्य किए गए, और मुझे लगता है कि प्रदेश में आपदा के इतिहास में ये पहला अवसर होगा कि जब प्रदेश सरकार के स्तर से आपदा के आने के तत्काल बाद राहत के कार्य और बचाव के कार्य प्रारंभ कर दिए गए थे। और जितने भी लोग केदारनाथ पैदल मार्ग पर या केदारनाथ धाम में फंसे हुए थे उनको तत्काल वहाँ से निकाल दिया गया था। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी वो घटनास्थल पर पहुँचे, उन्होंने हवाई निरीक्षण किया और जो प्रदेश शासन के जो विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी थे वो भी लगातार यहाँ पर निरीक्षण करते रहे। उन्होंने भी जो भी राहत और बचाव कार्य को लेकर जो भी उपाय किए जाने थे वो किए, और जो पैदल मार्ग है वो भी खोल दिया गया है पूरी तरीके से, और जो मोटर मार्ग था वो भी खोल दिया गया था। लेकिन आप जान रहे हैं कि लगातार वर्षा हो रही है, वर्षा के कारण जितना भी जो भी, क्योंकि प्रकृति के सामने तो किसी का भी वश नहीं चल सकता है, लेकिन उस क्षेत्र में केदार घाटी में लगातार भारी वर्षा हो रही है कई बार, और उसके कारण से फिर वहाँ पर व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जैसे ही मानसून का असर समाप्त होगा तो फिर से जो भी वहाँ पर उपाय किए जाने यात्री सुविधाओं को लेकर के वो कर दिए जाएंगे। और